बसमिल रहीम वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग सो हमारा के नियरेस्ट नेबर्स का जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहा है एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द दर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी जो जिसका हमने पहले जिक्र किया था और उसे हमने डिस्कस करना है उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस नॉट इन अ लॉट ऑफ डिटेल हाउ एवर बट स्टिल आई वुड लाइक टू द समीहैन्समेंट्स ऑफ़ के एन इज नेबरस हम के एन एन को पढ़ रहे थे तो हमने इसकी फ्लॉज भी डिस्कवर किए हैं हमने ये देखा है कि इसका सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है सो इट्स इट्स वन ऑफ़ द बिगेस्ट फ्लॉज जिसकी वजह से इसने uh, टेस्टिंग के वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगाना होता है सो दे हैव बिन एनहसमेंट्स जो कि इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करती हैं विल ब्रीफली टॉक अबाउट दोज उसके साथ साथ Uh, कुछ और रिलेटेड एल्गोरिदम्स हैं जो बहुत मिलते जुलते हैं केरियर्स नेबर से एंड आई वुड लाइक कि मैं ब्रीफली एटलीस्ट उनकी बात जरूर करूं और वहाँ पर आई वुड लाइक टू टच अपॉन अ फ्यू थिंग्स जिनको हम एंड एंड यू विल फील इन दिस वीडियो कि हम थोड़ा सा शेलो रहेंगे एंड दैट्स इंटेंशनल Um, हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि ईच एंड एवरी एलगोरिदम दैट हैज एवर बीन प्रपोज्ड इन द लाइन ऑफ मशीन लर्निंग हम हर एक को टच करें बल्कि हम एक खास स्ट्रेटी के अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम कुछ का जिक्र सिर्फ इसलिए कर देना चाहते हैं इस पॉइंट पर कि आपके जहन में कुछ बीज बोना भी मकसद है दैट आई वुड लाइक टू हारवेस्ट लेटर ऑन इन द सेमेस्टर ल बी डूंग दैर एज वेल आई भी मैंशनिंग फ्यू थिंग्स उनका जिक्र में करके आगे बढ़ जाऊँगा उनकी किसी डिटेल में नहीं जाऊँगा तो उस मौके पर समझ जाइएगा कि यहाँ हमारा मकसद बस उतना ही आपको अभी प्रोवाइड करना है जितने की जरूरत है इट्स आफ्टर ऑल वीर टुवर्ड्स द वेरी बिगनिंग ऑफ वॉट वीर डूइंग तो आहिस्त आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगहों पर सेटल होती जाएंगी और समझ आती जाएंगी इस वीडियो के लिए हमारे जो um, uh, जो रेफरेंसेस हैं मैंने पहले रेफरेंस को रेड इसलिए कर दिया है बिकॉज मैंने इस रेफरेंस से इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए काफ़ी मटेरियल डायरेक्टली लिया हुआ है एंड एंड ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ दो स्लाइड्स आई हैव बेसिकली मेंशन दिस रेफरेंस अगेन एंड अगेन दीज आर अमेजिंग दिस इज एन अमेजिंग प्लेलिस्ट बाय विक्टर लेब्रेंको और um, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप यहाँ से जाकर इनकी डायरेक्टली वीडियोज़ भी देखें जिसमें ये चीज़ें हैं और टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो हमने कुछ डायग्राम्स डायरेक्टली आई वाज लेज़ी सो आई जस्ट पिक्ड अप द डायग्राम्स डायरेक्टली फ्रॉम फ्राम हिज वीडियोज दैट्स वाई आई एम गिविंग दीज रेफ्रेंसेज अगैन एंड अगैन सो दैट के ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रहे कि वो मटीरियल वहाँ से मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ और आपको uh, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली वहाँ से लेकर दिखा रहा हूँ बट आई थिंक के um, uh, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए द वे ही एक्सप्लेन इट इज 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 रियली नाइस ठीक है जी तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट सो so, हम अब तक के नियरस्ट नेबर्स को देखते आए हैं और uh, इस एल्गोरिदम इस को हम अब तक समझ चुके हैं किस तरह से काम करता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पर पहले के एन एन की ब्रीफली बात करूँगा एंड देन आई टॉक अबाउट अ वेरी रेलिवेंट एंड अ वेरी सिमिलर एल्गोरिदम इन मैनी सेंसेज बट ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल एलगोरिदम विच इज़ कॉल्ड द पार्ज विंडो एलगोरिदम Um, और उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स क्विकली लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल के यहाँ पर क्या हो रहा है सो so, ये जो दो प्लस आपको रेड नजर आ रहे हैं दीज आर द टेस्ट डेटा पॉइंट्स और जो ब्लू आपको नजर आ रहे हैं ब्लू स्क्वेयर्स दीज एंड 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 द एंड रेड सर्कल्स दीज आर योर योर ट्रेनिंग डेरा और यहाँ पर इन लेबल्स को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने लेबल्स मेरे ये ब्लू स्क्वेयर्स हैं इन सब की वैल्यू को मैंने आर्बिट्रेली असाइन कर दिया है माइनस वन और रेड सर्कल्स को एव असाइंड आर्बिट्रेरली प्लस वन एक चीज याद रखिएगा ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि ये जो लेबल लगाना है ना बाइनरी जीरो वन कहना प्लस वन माइनस वन कहना ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जनरल जनरलिटी के ऊपर रिजल्ट्स की लेकिन इससे बाज़ दफ़ा हमारा मैथ्स आसान हो जाता है बाज़ दफ़ा हम ज़्यादा एलिगेंट फार्मूलाज क्रिएट कर लेते हैं तो इससे कभी परेशान ना होइएगा हम बार बार स्विच बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे कभी कहेंगे जीरो और वन फिर कहेंगे माइनस वन प्लस वन सो वन एंड सो फोर्थ तो इससे आपने बिल्कुल भी ना अपने फोकस को नहीं छोड़ना Um, और अगर यूं आप सोच रहे हैं कि आपके जहन में खुद कैसे आए कि यहाँ प्लस वन लगना है कि माइनस वन तो यू वुड रिक्वायर ए लिटल एक्सपीरियंस इन द डोमेन एंड एज यू हैव एक्सपीरियंस विद मैथ्स के विद विध एक्सपीरियंस यू लर्न के अगर आप पर एक पर्टिकुलर वैल्यू लें तो उससे आधी चीज़ें वैसे जीरो के खत्म हो जाएंगी और आधी चीज़ों पे आप कंप्यूट कर लेंगे और सो ऑन तो ये ये एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ें आती हैं लेकिन इसमें कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है अगर फ़ौरन आपके जहन में ये क्लिक ना कर रहा हो कि ये यहाँ प्लस वन माइनस वन क्यों यूज हो रहा है कुछ भी हो सकता था ना तो हमने चूज कर लिया प्लस वन और माइनस वन अभी आप जब हम फार्मूला निकालेंगे तो आप देख लीजिएगा कि इसका फायदा क्या है अच्छा जनाब सो थ्री एन एन एलगोजन क्या कहता है इंटरेस्टेड अपॉइंट्स के लिए कि वो इसके इर्द गिर्द मौजूद थ्री नियरेस्ट नेबर्स को सिर्फ ढूंढ रहा है सो लेट्स से इस इस पर्टिकुलर के लिए टेस्ट डेटा पॉइंट के लिए ये तीन नियरेस्ट नेबर्स है बाय द वे आप देख रहे हैं कि मैंने सर्कल को उसके सेंटर से गुजारा है बिकॉज इंडिकेटर तो पूरे पूरे पॉइंट्स ही हैं लेकिन असल में तो सेंटर में एक एक जीरो साइज़ का पॉइंट है ना जिसको हम असल में डेटा पॉइंट कहते हैं बाकी तो खाली उसकी विजुलाइजेशन है दैट्स वाई एम कंसिडरिंग द सेंटर ऑफ ईच पॉइंट एज एज द पॉइंट जिसकी बात हो रही है तो ये आखिरी जो सर्कल जहाँ टच कर रहा है वो ब्लू के सेंटर से गुजर रहा है

और पार्जन विंडो के अंदर हम रेडियस ऑफ द सर्कल को फिक्स कर देते हैं यानी हम ये कह रहे हैं कि वी हैव डिफाइंड रेडियस आर और अब सारे सर्कल्स जो होंगे वो रेडियस आर के होंगे उसमें जितने भी पॉइंट्स आ जाए सो दैट मीन्स कि एट टाइम्स इन 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 मोर डेंस फीचर सेट्स जहां पर आपके और स्पेशली इन इन दो डिमेंशन आपके पॉइंट्स करीब करीब होंगे तो वहां पर आपको बहुत हो सकता है कि के से ज्यादा पॉइंट्स मिलने लगे इन द सेम साइज ऑफ सर्कल तो बस सिर्फ बात अभी इतनी समझें और इतनी याद रख लें कि पार्जन विंडो के अंदर के एन एन के अंदर द के इज फिक्सड पार्जन विंडो के अंदर द के इज नॉट फिक्स्ड बट द साइज ऑफ द सर्कल इज फिक्स्ड उसमें जितने भी के आ जाएं, उसमें जितने भी नेबर्स आ जाएं आपके आप उनको कंसिडर uh, कर लेते हैं सो लेट्स जूम आपने अगर क्लास इंडिकेट करनी है और आप यहां पर कहते हैं इस ऊपर वाले केस में कि यहाँ पर मेरे पास वन टू थ्री फोर ब्लू हैं और वन रेड है दैट मीन्स कि इस इस जो 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 क्रॉस है इसकी जो क्लास आएगी वो ब्लू आएगी एंड सिमिलरली जो दूसरा वाला है उसकी भी ब्लू आएगी क्योंकि उसके पास तीन आ रहे हैं यहाँ पर जिनमें से दो ब्लू हैं ठीक है तो ये हमारा पार्जन विंडो का एल्गोदम हो गया एक चीज़ तो पहले आपके जहन में होफुली अब ये क्लियर हो गई अच्छा अब हम एक फार्मूला लिखते हैं इस पार्जन विंडो का और इसको हम यहाँ पे अब आपको समझ आएगा कि ये प्लस वन और माइनस वन रखने की क्या जरूरत थी बेशक so, पॉज करके पहले इसे घूर लें और अपने आप को थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि दिस मेक सेंस सो इन केस ऑफ आर्जन विंडो वॉट वी सेइंग इज कि हम सम कर रहे हैं उन सारे लेबल्स वाई आई को उन सबको हम सम कर रहे हैं जिनके केस में मेरा एक्स आई रेडियस आर ऑफ एक्स के अंदर लाय करता है सो so, इस रेडियस के अंदर इस रेडियस आर के अंदर जितने पॉइंट लाए करते हैं और किससे रेडियस एक्स से तो so, एक्स मेरा वो पॉइंट है जो सेंटर में सो लेट से दिस इज माई एक्स और यहाँ पर दिस इज माई एक्स मेरे एक्स के रेडियस के अंदर जितने भी एक्स आइज आ रहे हैं सो so ये मेरे सारे एक्स आए हैं ठीक है ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फॉर एग्जाम्पल ये मेरे एक्स आए हैं सो so, जितने भी मेरे एक्स आए आ रहे हैं फॉर ऑल दोज आयज मैं इन सब के लेबल्स को पकड़ूंगा और उनको आपस में सम कर दूंगा अच्छा अब आप खुद सोच लीजिए अगर लेबल्स प्लस वन और माइनस वन हैं अगर मेरे पास दो प्लस के लेबल है और एक माइनस के लेबल है तो ये प्लस टू माइनस वन और जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा तो उसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा और अगर मेरे ज्यादा नेगेटिव मिले होंगे तो साइन नेगेटिव आ जाएगा ये हमें सो मैंने अभी चंदा में पहले कहा था ना ऐसे लेबल्स चूज करें जिससे मैथ्स आसान हो जाए हम इतना एलिगेंट फॉर्मूला शायद ना निकाल पाते अगर हमने कोई और कैटेगोरिकल लेबल्स चूज किए होते ठीक है ये चीज क्लियर हो गई आपको होपफुली उससे ये बात भी आपको समझ में आ गई कि किस तरह से हम नॉर्मली ये लेबल्स की वैल्यूज को अपने फॉर्मूलाज से जोड़ रहे होते हैं इसी को लिखने का एक और अंदाज देख लेते हैं बिल्कुल सेम फॉमूला है अब लिखा इसको इस तरह से कि साइन उसी तरह से है अंदर हम ये कह रहे हैं फॉर ऑल आई सम कीजिए वाई आई को यानी उनके लेबल्स को सम कर लें और उसके साथ मल्टीप्लाई किया है दिस फंक्शन वन को अच्छा ये बिल्कुल अब वो डेल्टा फंक्शन की तरह काम कर रहा है यहां पर कर ये रहा, ये ये कह रहा है कि अगर एक्स आई माइनस एक्स का एप्सिल्यूट डिस्टेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू आर है तो फिर ये वन होगा अदरवाइज यहां पर जीरो आ जाएगा सो so ये वन होगा अगर ये सर्कल के अंदर है अदरवाइज जीरो हो जाएगा तो लिहाजा ये सिर्फ उन केसेस के अंदर वाई आई की वैल्यू को यहां पर यूज करेगा जहां जहां पॉइंट्स सो इट्स लुकिंग एट ऑल पॉइंट्स रादर देन जस्ट द पॉइंट्स विद इन द सर्कल इट्स लुकिंग एट ऑल पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स विद इन द सर्कल हैव अ वैल्यू एंड द पॉइंट्स विच आर नॉट इन द सर्कल आर मल्टीप्लाइड बाई जीरो एंड द वैनिश ठीक है बात समझ में आ गई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है होपफुली उसी फार्मूला को एक और अंदाज से लिखा है क्योंकि इसको आगे एक और चीज में यूज करना है अच्छा जनाब अब जरा देखते हैं विजुअली कि यहाँ पर हो क्या रहा है कैन सी हियर के ये मेरा पॉइंट एक्स है ये जो प्लस बना हुआ है यहाँ पर और अलॉन्ग दॉर्जोंटल एक्सेस यू सी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ठीक है अच्छा अब हमने एक जो रेडियस आर का सर्कल डिफाइन किया है वो किसी जगह पर जाकर रुक रहा है सो so ये मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो मैंने ये ड्रॉ किया ना ये इसके लिए ड्रॉ किया सो so अब ये जाकर इस रेड के ऊपर रुक रहा है और चार मेरे ब्लू नियरेस्ट नेबर इसके अंदर आ रहे हैं सो आई एम जस्ट से जी ये जो मेरा जो मैंने यहाँ पर ये लगाया है ना ये बाउंड्री है इससे आगे की चीजें मेरे नेबर नहीं है इससे पीछे की चीजें मेरे नेबर हैं अब यहां प्रॉब्लम क्या आता है यहां प्रॉब्लम यह आता है कि जब आप सर्कल का साइज चूज कर रहे होते हैं तो उसकी छोटी छोटी वेरिएशन आपके रिजल्ट्स पे काफी मेजर असरात ला सकती है स्मॉल वेरिएशंस इन द चॉइस ऑफ आर कैन इंपैक्ट द लेबल व्हिच इज गिवन टू योर टेस्ट डेटा पॉइंट एक्स इन अ मेजर वे इसको हम कहते हैं कि हमारे एलगोरिदम की वेरियंस जो है वो बहुत हाई है यानी छोटी छोटी चेंजेस से उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं इस मसले को अब ये जो मैं इसका आपको हल देने लगा हूं ना यहां अब आप मुझे, मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए जब मैं आपको हल देने लगा हूं ये बार बार आएगा ये हल उस वक्त भी आएगा जिस वक्त हम एक क्लस्टरिंग एलगोरिदम जिसका नाम बैदे आपके के एन एन से बड़ा मिलता जुलता है और लोग उसको कंफ्यूज भी करते हैं मीन्स का जो क्लस्टरिंग एलगोरिदम जब हम पढ़ रहे होंगे वहां पर भी यही सेम प्रॉब्लम हमें आएगा कि ये तो बड़ी हार्ड बाउंड्री लग गई है येस और नो के बीच में तो बाउंड्रीज हार्ड नहीं होनी चाहिए बिकॉज इससे आपके एलगोरिद्म की वेरियंस बहुत बढ़ जाती है और, और भी मसले होते हैं तो लिहाजा हार्ड बाउंड्रीज को क्या हम सॉफ्ट कर सकते हैं और हम बिल्कुल कर सकते हैं सो वॉट वी इसेंशली डू इज के इंस्टेड ऑफ सेंग एक साइड के ऊपर वन है और एक साइड के ऊपर जीरो है यानी इससे जो हम पहले कह रहे थे अगर मैं वो भी साथ में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, मे बी विद अ डिफरेंट कलर ब्लू के साथ में ड्रॉ कर देता हूँ कि हम इससे पहले जो कह रहे थे आई कुड हैव ड्रॉन इट बेटर लेट मी जस्ट रब इट एंड ट्राई टू ड्रॉ इट अगेन अ लिटिल बिट मोर नाइसली लेट्स होप दिस इज नाइसर Right, so, साइड के ऊपर हम इसकी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस साइड के ऊपर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितने भी ये पॉइंट पड़े हुए आप यहां पर आप अभी देख कर आए सो ना हो बेहतर क्या हो रहा है पहले लेकिन इस बतर ये हो रहा है कि इफ यू लुक एट दिस न्यू फंक्शन दिस इज ग्रेजुअली डिकेंग ठीक है ये कोई आधा गाउजियन लग रहा है आपको ये फंक्शन बेसिकली एक वेट से मल्टीप्लाई कर रहा है इन सारे के सारे नेबर्स को जबकि जो नेबर्स आपके बहुत करीब हैं ये नस्बता हाई वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं विच इज़ क्लोज टू वन और जो नेबर्स दूर होते चले जाते हैं वो बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्लोज टू जीरो सो दिस इज अ वेटेड सम सो नाउ इफ आई इफ आई रिप्रेजेंट दिस बाय द वे ये जो अब मैंने मेथड यूज़ किया है इसके लिए एक नाम है और वो नाम आपने शायद इससे पहले मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में सुना भी होगा सच फंक्शंस विच मैप टू नंबर्स आर नोन एज कर्नल इसकी दो प्रोनाशिएशन हैं ब्रिटिश प्रोनाशियशन में कर्नल प्रोनाउंस करते हैं यूएस यू इसको कर्नल प्रोनाउंस करते हैं आप इसको जो मर्जी कहना चाहें कह लें बस सिर्फ समझ लें कि यह करता क्या है तो so इसका काम यह है कि ये डिस्टेंसिस को नंबर्स के ऊपर मैप कर रहा है इन दिस दिस केस इज गिविंग अ ग्रेजुअली डिकेंग वेट

एंड दिस कर्नल इज बेस्ड ऑन द पॉइंट एक्स आई एंड द पॉइंट एक्स अब ये इन डिस्टेंसिस को लेगा और इन distances को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई वेट्स में कन्वर्ट कर देगा तो अब आप देख सकते हैं कि अब वाई आई के साथ क्या होगा इस समेशन के बाद अगर करीब के पॉइंट ज्यादा प्लस वन थे तो ये सम ज्यादा पॉजिटिव होगा अगर करीब के पॉइंट्स यानी ज्यादा वेट वाले पॉइंट्स ज्यादा माइनस थे यानी अब हम हम यूं कह सकते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर या ज्यादा पॉजिटिविटी होगी जिसको साइन कैप्चर कर लेगा या ज्यादा नेगेटिविटी होगी जिसको साइन कैप्चर कर लेगा सो so अब बजाय ये कहने के कि ज्यादा मेरे नेबर्स पॉजिटिव थे वर्सेस के ज्यादा यानी मेरे नंबर ऑफ नेबर्स ज्यादा मेरे पॉजिटिव थे नंबर ऑफ नेबर्स ज्यादा नेगेटिव थे वो डेमोक्रेटिक अंदाज से कहने के बजाय हम वेटेड अंदाज में कह रहे हैं कि मेरे नेबरहुड में नेगेटिविटी ज़्यादा थी या पॉजिटिविटी ज़्यादा थी तो यानी मेरे करीब के लोग मैंने उनको ज्यादा वेट दिया दूर वालों को थोड़ा कम वेट दिया और दूर वालों को और कम दिया और बहुत दूर वालों को इतना कम दिया कि जीरो हो गया ठीक है ये ये बात आपको समझ होपफुली आ गई होगी और ये फार्मूला भी समझ आ गया होगा सो दिस इज अकर्नलाइज पार्जन विंडो फार्मूला जिसमें हमने कर्नल यूज किया है जो कि डिस्टेंसेज को यहाँ पर वेट्स में कन्वर्ट कर रहा है अब मैं आपको एक फार्मूला और दिखाने लगा और डरिए करें ये फार्मूला आपको सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज बिल्कुल अब इस वक्त हम बिगनिंग में हैं और पहला एलगोरिदम हमारा ये चल रहा है इस सेमेस्टर में मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप जरा एक नज़र ये देख लें कि आगे जाकर एक चीज़ आनी है जिसका नाम बड़ा बाज़ लोगों को दहशतनाक लगता है सो सपोर्ट वैक्टर मशीन्स मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर्स के अंदर जिसको हम जाकर पढ़ेंगे सपोर्ट वैक्टर मशीन ये उस support, support की बहुत फॉर्म है अ अकर्नलाइज सपोर्ट वैक्टर मशीन और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इतनी चीज इन दोनों में कॉमन है इतनी चीज इन दोनों में कॉमन है सिर्फ ये अल्फा आए कोई साथ पढ़े हुए मैं बिल्कुल भी ये इंप्लाई नहीं कर रहा कि ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा जब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ेंगे विल सी इट्स ब्यूटीफुल इट्स एलिगेंट इट्स अमेजिंग जस्ट लाइक के नेबर्स इट्स आल्सो ब्यूटीफुल इट्स आल्सो एलिगेंट लेकिन वहाँ पर ये अल्फाज कुछ और काम कर रहे होंगे ये हमारे इन ये हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके साथ कोई रिलेशनशिप कायम कर रहे होंगे कि जो पॉइंट करीब आ जाते हैं क्लासीफिकेशन बाउंड्री के उनको किस तरह डील करना है बट आई जस्ट वॉन्टेड यू टू जस्ट टेक अ मोमेंट एंड सी दो बिल्कुल मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स किस तरह से एक ही किस्म के काम के ऊपर कन्वर्ज कर सकते हैं मिलते जुलते किस्म के उनके फार्मूलाज हो सकते हैं जब हम एस वी एम पढ़ लेंगे ना उस वक्त अगर आप में से किसी को याद आए और मुझे याद करा दे तो देन विल बी इन अ बेर पोजिशन टू मे बी साइड बाई साइड कंपेयर दीज एंड टॉक अबाउट दैम एंड लर्न मोर फ्रॉम दैम ठीक है जना ये हो गई एक बात जो यहां तक आपसे करनी थी दूसरी बात है परफॉर्मेंस ऑफ के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम की और हमने देखा था कि कोई अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस तो so, इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी जो है वो टेस्टिंग के वक्त बिगो ऑफ एन डी है एन इज द साइज ऑफ योर डेटा सेट योर टेस्टिंग ट्रेनिंग डेटा का साइज और d इज द नंबर ऑफ डिमेंशन तो आपको हर पॉइंट पे जाना पड़ता है और उसके ऊपर जाकर ये हमने बड़ी डिटेल में से पहले भी देखा था सारी d डिमेंशंस के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है तो लिहाजा ये एन डी इसका एसिमटॉटिक वैल्यू आती है अपर बाउंड आती है आ, तो ये ये अब यहाँ पर इसको बेहतर कैसे किया जाए सवाल ये है कि अब ये तो बहुत बुरा है और हमने देख लिया कि इवन जो इतना बड़ा हमने पिछले लेक्चर में देखा था बड़ा फ़ायदा है वो वाला इसकी अपर बाउंड का एरर वाली वो भी इसी वजह से फेल होना शुरू हो गया था कि ये तो स्लो बहुत है ये कहाँ से काम आएगा तो एक तरीका जो यूज़ होता है इसको फास्ट करने का बेहतर करने का वो ये है कि हमें अक्सर सारी डिमेंशन की जरूरत नहीं होती और इस तरह की बातें हम जरा आगे जाकर अगले वीडियो में भी थोड़ी सी करेंगे कि जो रियली द यूज़फुल डिमेंशनैलिटी द इफेक्टिव डिमेंशनालिटी ऑफ द प्रॉब्लम माइट बी मच लोअर देन द टोटल नंबर ऑफ डिमेंशन जो मौजूद है आपका इमेज है उसके अंदर हो सकता है कि 18 मिलियन डिमेंशन हैं लेकिन उस 18 मिलियन एटीन मेगा पिक्सल के कैमरे से तस्वीर खींची 18 मिलियन पिक्सल हो गए तो 18 मिलियन डिमेंशन हो गए एटीन मिलियन डिमेंशन है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एटीन मिलियन डिमेंशनल प्रॉब्लम हो भी वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है एटीन मिलियन आपने शक्ल डिस्क्राइब करने के लिए 18 मिलियन एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं किए हैं अगर मैं कहूँ आप मुझे ज़रा बताइए कि जी आप आपके भाई की शक्ल कैसी है तो आप 18 मिलियन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर मुझे एक्सप्लेन करेंगे मुझे उस स्टार्ट पास से कि जी लेफ्ट मोस्ट अपर पिक्सल जो है उनका वो ब्लू है इस तरह जो तो नहीं आप डिफाइन करेंगे ना शक्ल यू विल बी डिफाइनिंग इट मे बी इन अ वेरी सिंपल वे नाक कैसी है आंखें कैसी हैं कान कैसे हैं बाल कैसे हैं माथा कैसा है शक्ल कैसी है मूँछे हैं नहीं है दाढ़ी है नहीं है सोन एंड सो फोर्थ आई होप मैंने भाई ही कहा था बहन डिफाइन करने को नहीं कहा था तो मूँ दाढ़ी पे बुरा ना मान जाइएगा तो <laughs> तो सो सो यस जो भी आप डिफाइन कर रहे थे बड़े मुख्तर चीज़ों के ऊपर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कंप्लीटली मुख्तर एट्रीब्यूट्स के ऊपर सो दोज़ आर दी एक्चुअल इफेक्टिव डिमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम ठीक है तो डिमेंशनिटी डिडक्शन के एक पूरे सेट ऑफ टेक्निक्स हैं जो कि हमारी नंबर ऑफ डिमेंशन को रिड्यूस करती हैं और उन डिमेंशंस को हटा देती हैं जिनका कम फायदा नजर आ रहा होता है ठीक है ये एक, एक तरीका है दूसरा तरीका यह है कि सम हाउ रिड्यूस एंड So, जितने नेबर से आपने कंपेयर करना है ना यानी हम कह रहे हैं जी पूरे डेटा सेट से कंपेयर करो पूरे ट्रेनिंग डेटा से कंपेयर करो हर टेस्ट पॉइंट को और सबके साथ डिस्टेंसेस निकालो तो हम ये कहते हैं नहीं भाई कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम एम पॉइंट से कंपेयर करें विर एम इज मच मच स्मॉलर देन एन यानी किसी तरह से आप हमें हिंट दे दें कि मेरे नियरेस्ट नेबर्स कौन से हैं मुझे सबके सब से कंपेयर ना करना पड़े अभी तो आप कह रहे हैं कि जो मुझसे जितना भी दूर है सबके सबके साथ डिस्टेंस निकालो फिर बात बनेगी तो सम हाउ कम अप विद ह्यूरिस्टिक्स चाहे इन इन एग्जैक्ट यूरिस्टिक्स जिससे आपको यह पता लग जाए कि मैंने किससे कंपेयर करना है और किससे नहीं करना है। ठीक है और ताकि मेरा बिगो जो है वो एन डी की जगह एम डी बन जाए वेर एम इज मच स्मॉलर देन एन सो माई ओवरऑल परफॉर्मेंस वुड बी मच बेटर यहाँ पर हम तीन एलगोरिदम्स को देखेंगे तीन डिफरेंट एलगोरिदम्स को बहुत ब्रीफली बहुत सुपरफिशियल अंदाज में इनकी बहुत डिटेल्स हैं बड़ी खूबसूरत डिटेल्स हैं अनफॉर्चुनेटली अगर हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वक्त लगाएंगे तो अगले एलगोरिदम्स के लिए वक्त नहीं बचेगा तो लिहाजा इनको बहुत ब्रीफली एक सुपरफिशियल मैनर में देखेंगे आपको इतना अंदाजा हो जाए कि ये कर क्या रहे हैं और यहाँ पर जो के डी ट्रीज़ का पहला मैथड है ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमारी डिमेंशनैलिटी लो है और आपका डेटा रियल वैल्यूड है तो रियल वैल्यूड कंटिन्यूस डेटा है आपका और लो डिमेंशन है ज्यादा डिमेंशन नहीं है ठीक है ये तब एप्लीकेबल होता है और ये इसका बिगो जो है वो डी लॉग बेस टू ऑफ एन तक चला जाता है और अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर जिंदगी में कभी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि एन और लॉग बेस टू एन या एन और लॉग एन इन टर्म्स ऑफ एसमटॉटिक कंप्लेक्सिटी एक दूसरे से कितने मुख्तफ होते हैं अगर आपने जिंदगी में कभी इस बात पर कन्विंस नहीं हुए हैं तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा एक काम कीजिए वीडियो पॉज करें एक एक्सेल शीट खोलें उसमें एक साइड के ऊपर ना आप लिखें वन टेन वन हंड्रेड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड और दूसरी साइड पे इन सब का लॉग लेकर बेशक लॉग बेस टेन कर लें लॉग बेस टू कर लें ले, कुछ भी करके इन सब का लॉग लिख लें और उसको आ, आमने सामने कंपेयर कर लें देखने कि कितना कितना फर्क पड़ रहा है दोनों में कि जब आपका एक साइड हजार पे पहुंच रही है तो लॉग बेस टू आपका उस वक्त जो है वो टेन तक पहुंचा होगा तो जो चीज़ हजार स्टेप्स में हो रही है एन में वो लॉग बेस टू एन के अंदर टेन स्टेप्स के अंदर हो रही है जो चीज़ वन मिलियन स्टेप्स में हो रही है आपके एन में वो चीज ट्वेंटी स्टेप्स में हो रही है लॉग बेस टू में और वे सिक्स स्टेप्स के अंदर वो हो रही है लॉग बेस टेन में तो लेकिन इनमें आपस में सिमटोटिकली फ़र्क नहीं होता तो इसलिए मैं लॉग बेस टू ही की बात करूंगा यहाँ पर एंड सिमिलरली जो चीज़ वन ट्रिलियन स्टेप्स में हो रही है रॉ uh, में uh, यानी एन में वो चीज़ आपकी फोर्टी स्टेप्स में हो रही है लॉग बेस टू में सो देर इज देर अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू ठीक है ये बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट होता है फ्रॉम फ्रॉम एन टू लॉक बेस टू एन सो दिस ओनली वर्क मैन वैन इज मच मच स्मॉलर देन दैन यानी डिमेंशनैलिटी कम है ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट्स हैं उसके करीब करीब करीबी डिमेंशन है सो इट लाइक ट्वेंटी थर्टी फोर्टी डिमेंशंस के करीब डिमेंशन हैं तो ये चल जाता है लेकिन ये इनएक्जैक्ट है ये नेबर्स मिस कर सकता है तो फिर इसके नेबर्स सही सारे पकड़वाने के लिए इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती हैं जिससे फिर इसकी कंप्लेक्सिटी खराब हो जाती है ठीक है तो ये यानी एक अप्रोक्सीमेशन है एस्टिमेशन है परफेक्ट चीज नहीं है लेकिन दिस इज अ वेरी हाईली यूज एल्गोरिदम अच्छा इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव एन अदर एलगोरिदम विच इज नोन एज द इन लिस्ट इसकी हम सॉरी नॉट इन्वर्टेड पहले मैं तीसरे की बात करूंगा सो लेट मी नंबर देन वन टू एंड थ्री सो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग सो लोकेटी सेंसिटिव हैशिंग यूज होती है जब हमारा डेटा हाई डिमेंशनल है सो एज अपोज टू दिस जो कि लो डिमेंशनल था और चाहे वो रियल वैल्यूड है या डिस्क्रीट है अब फर्क नहीं पड़ता कंटिन्यूस और रियल uh, वैल्यूड होने की जरूरत नहीं है और डिस्क्रीट भी हो सकता है अच्छा हियर द बिग ओ इज एन बार डी या एन एन डैश डी वेयर दिस एन डैश इज मच मच स्मॉलर देन एन ठीक है और इसके ऊपर भी हम कुछ थोड़ी सी बाउंड वगैरह कर सकते हैं एस्टैब्लिश अच्छा ये भी इनएग्जैक्ट है और नेबर्स मिस कर सकता है ठीक है लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग या एल एस एच ये भी बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। और तीसरी टेक्निकमेंशनल डेटा so uh, के लिए यूज होती है जबकि वो डेटा स्पार्स हो तो अब आपको याद आ गया होगा बैग ऑफ वो सारी चीजें बहुत हाईली स्पार्स वैक्टर्स हैं आपके पास वो तो स्पार्स डेटा हो डिस्क्रीट हो और हाई डिमेंशनल हो उसमें बहुत अच्छा चलता है एंड दिस इज एन एग्जैक्ट मेथड इट डज नॉट मिस नेबर्स ठीक है और इसकी जो कंप्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन बार डी वेयर डी बार इज मच मच लेस देन डी एंड एन बार इज मच मच लेस देन एन ठीक है much, much D, N much, much N, लेकिन ये दिस ओनली वर्क फॉर स्पार्स डेटा नॉन स्पार्स डेटा पे आप इसको लगाएंगे तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम ये आपको कोई फायदा नहीं देगा परफॉर्मेंस के अंदर ठीक है जनाब तो आगे बढ़ते हैं इन एलब्रिजम्स को देखते हैं और अगेन यहाँ पे एक एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर कि मैंने ये जो अब अगली ये तीनों स्लाइड्स हैं ये डायरेक्टली मैंने विक्टर लेब्रेंको की स्लाइड्स में से इनमें से कुछ डायग्राम्स ली हुई हैं दैट्स वाई आई हाई लाइटेड दी दी रेफरेंस बिलो कि ये वहाँ से आई मी बाय वे अगेन आई वुड इनकरेज यू आपको मौका मिले तो आप उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं दो दो तीन तीन मिनट की यू शुड वॉच दम और वहाँ से आपको इसमें कुछ और डिटेल्स भी हो सकता है मिलें जो कि मैं जानबूझ के बीच में से स्किप कर रहा हूँ अच्छा जनाब करना क्या करना यह है कि अब देखें यह मेरे सारे के सारे डेटा पॉइंट सफर्स करें मैंने लिखे हुए नीचे प्लॉट भी हुए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इन डेटा पॉइंट्स में सबके सबसे मुझे कंपेयर ना करना पड़े किसी तरह मुझे कोई हिंट्स मिल जाए कि मेरे नियर नेबर्स कहां पर होंगे तो हम करते ही हैं कि हम जितनी भी डिमेंशन हों इस केस में सिर्फ दो डिमेंशन हैं जितनी भी डी डिमेंशन हों उन सब डिमेंशन में से रेंडमली एक डिमेंशन को पहले पिक करेंगे और उस डिमेंशन का हम मीडियन फाइंड कर लेंगे अक्रॉस ऑल ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स मीडियन फाइंड कर लिया मीडियन से गारंटी हो गई कि हमारा पूरी डिमेंशन का जो डेटा पॉइंट्स है वो आधे आधे में डिवाइड हो गए और उसके बाद हमने इस हाफ के लिए फर्स्ट नोट डिस्क्राइब कर दिया तो अब ये पहले ब्लू को देखें खाली सो so अगर आप खाली ब्लू को देखें तो ये मैं ये कह रहा हूं कि मैंने फर्स्ट एक्स चूज कर लिया रेंडमली और उसका मीडियन निकाला तो सिक्स आया तो x1 की सिक्स से छोटी सारी वैल्यूज इधर आ गई यानी वन टू फोर थ्री फाइव और ये इससे बड़ी और इक्वल जो हैं वो इस साइड पर आ गई मीनिंग uh, के सिक्स सेवन एट सेवन और नाइन ये इसकी दूसरी साइड के ऊपर आ गई ठीक है और ये आप लाइन भी देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये लाइन इंडिकेट कर रही है सो बेसिकली यू जस्ट डिवाइडेड योर योर एक्स वन डिमेंशन इंटू टू पार्ट्स जिसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ आपके डेटा पॉइंट्स हैं ठीक हो गया अब आपने इस ट्री में एक और डिमेंशन चूज की रैंडमली अब इसमें दो ही थी तो दूसरी आ गई अगर इसमें दस होती तो जाहिर है उनमें से कोई सी भी आ जाती अभी एक्स टू आ गई एक्स टू पर भी वही काम किया दोनों साइड पर पहले मीडियम फाइंड किया और मीडियन के अक्रॉस आपने डेटा डेटा पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया और अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है इस ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग और रेड नजर आ रही है रेड के कॉरस्पॉन्डिंग तो सब तरफ ही डिवाइड होते चले गए नाउ वेन अ न्यू टेस्ट डेटा पॉइंट कम्स इन फॉर एग्जाम्पल सेवन फोर तो अब आप बिल्कुल उसी ट्री से इसको गुजारेंगे एंड यू गोना से कि हम सबसे पहले सेवन है तो ये कौन सी साइड के ऊपर होगा ये उस साइड के ऊपर होगा जहाँ पे एक्स वन बड़ा है सो तो ये 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 वाली साइड के ऊपर आ जाएगा और उसके बाद एक्स टू इसका फोर है दैट मीन्स लेस देन एट तो ये लेस वाली साइड के ऊपर आ जाएगा तो ये हम फाइनली पहुँच जाएंगे उस जगह के ऊपर जहाँ पर हमारे पास वो पॉइंट्स होंगे सो तो इस केस में ये क्या बन रहा है इस केस में सेवन फोर कौन सी साइड के ऊपर आएगा ये आएगा आ, ये अगर मैं इसको यहां पर किसी हाइलाइटर से इंडिकेट कर सो इट्स बेसिकली दिस साइड सो इस रीजन के अंदर ये आकर लैंड करेगा सो इट्स सेवन अलोंग एक्स वन एंड इट इज फोर अलोंग एक्स टू तो ये ये वाला रीजन बन गया ठीक है जी समझ में आ गया तो अब जब हम यहां पहुंच गए तो यहां पर दो ही इसको डेटा पॉइंट मिले एक इसको मिल रहा है सेवन टू और एक इसको मिल रहा है नाइन सिक्स इसको ये दो डेटा पॉइंट्स खाली मिल रहे हैं और ये इन दो डेटा पॉइंट्स में दोनों के साथ अब अपने डिस्टेंसेज निकालेगा यानी इस जगह तक पहुंचते पहुंचते इट्स इट्स गोना कम हियर एंड देन इट्स गोना गो हियर एंड देन इट्स गोना गो हियर और यहां आकर ये इनसे अपने डिस्टेंसेज निकालेगा और इनको नियरेस्ट नेबर समझेगा और इनकी बेस के ऊपर अपना पॉइंट असाइन कर लेगा अच्छा अब प्रॉब्लम पहला प्रॉब्लम ये देखें कि इसने इस पॉइंट को मिस कर दिया क्योंकि ये ट्री के उस हिस्से में नहीं था तो लिहाजा ये इनएग्जैक्ट है ये नियर नेबर्स को नियरस्ट नेबर्स को मिस कर सकता है ठीक है पहला मसला तो ये हो गया ठीक है अच्छा ये so, मस, मसला इसका मेन मसला ये हो गया एक और भी इसका मसला है लेकिन वो जरा शायद अगली वीडियो के बाद आपके जहनों में क्लियर होगा लिहाजा मैं उसकी अभी बात फ़ौरन नहीं छेड़ता शायद मैं अगली स्लाइड पे थोड़ी सी उसकी बात करूं अच्छा दूसरी चीज अब इसकी कम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी बिकॉज दिस ट्री इज डिवाइडिंग योर डेटा सेट इंटू टू इक्वल पार्ट्स एट ईच लेवल तो अब अगर आपके पास ऐसा ट्री हो जो हर लेवल के ऊपर प्रॉब्लम को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे कुछ याद आता है डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एक एल्गोदम पढ़ा था ना बिल्कुल शुरू में जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे बाइनरी सर्च जो कि हमारी पूरी की पूरी सर्च स्पेस को दो इक्वल हिस्सों में हर लेवल पर डिवाइड करता है तो फिर हमने ये देखा था कि जिससे जो ट्री बनता है उस ट्री की मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है इफ यू डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इंटू टू इक्वल पार्ट्स एट ईच स्टेप देन कितने नंबर ऑफ आपको डिविजन्स करने पड़ेंगे अंटिल यू रीच अ प्रॉब्लम साइज ऑफ वन कितने मैक्सिमम करने पड़ेंगे लॉग बेस टू ऑफ एन अगर एन इज द प्रॉब्लम साइज ठीक है अगर आप इस पर कन्विंस जरा कच्चे भी हैं ना तो कोई निकाल के पुराना आ, इसका एनालिसिस देख लीजिए बड़ा आसान है खुद हाथ से करके देख लें ट्री बना लें एक प्रॉब्लम लें उसको डिवाइड करें और आपको बड़े आराम से ही निकल आएगा कि log बेस टू ऑफ एन किस तरह से निकलता है ठीक है अच्छा तो डी इन टू लॉक बेस टू ऑफ एन वाई बिकॉज हमें log बेस टू ऑफ एन इसकी डेप्थ है जहां तक हमें जाना पड़ेगा द डी इन दिस केस वुड बी फेडी स्मॉल एक्चुअली बिकॉज हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारी नंबर ऑफ डिमेंशन जो हैं वो स्मॉल हैं सो द डी वुड वन बी स्मॉल एंड टू द डी वुड जस्ट बी यूज फॉर 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 कंप्यूरिंग द डिस्टेंस टू दू दीज पॉइंट्स जिन तक हम ऑलरेडी जीरो इन कर चुके हैं जो हमारे ट्री को पार्स करके लीफ के ऊपर हमें मिलें और ये पॉइंट्स बहुत कम होंगे सो दीज वुड बी स्मॉल नंबर ऑफ पॉइंट्स सो लिहाजा यू विल ऑल्सो रीड जहाँ पर आप इसके सर्च वगैरह को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि अक्सर इसकी जो सर्च की कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ रिपोर्टेड एज सिम्पली लॉक बेस्ड टू अफन बट दट इज़ द बेस्ट केस सिनारी ठीक है अच्छा अब मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि वर्स्ट के सिनारी कब होते हैं इसको इंप्रूव किस तरह से किया जाता है एंड वाई इज़ इट इन इन जनरल कॉल्ड आई दर डी लॉक बेस टू ऑफ या बाज केसेज में एन लॉक बेस टू अफन वो वाले केसेज मैं इस वक्त थोड़े से इस वक्त इग्नोर करूंगा एज आई साइड के हमने खाली इनको सुपरफिशियली देखना है पूरी इसकी कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करना इन तीनों एलग्रुप की, आ, हम इस वक्त वो नहीं कर पाएंगे ऑल राइट जी सो होपफुली आपको के डी ट्री समझ में आ गया वन बाय वन सारी डिमेंशन के अक्रॉस स्प्लिट करें और इससे होप करें कि आखिरी डिमेंशन जिसमें आप पहुंचेंगे उसमें अब वही चीजें बच गई होंगी जो एक दूसरे के करीब होंगी इस पर हम जरा जब अब, पूरा अगली वीडियो जब आप देखेंगे ना कर्स ऑफ डिमेंशनलिटी की इस पर दोबारा गौर कीजिएगा कि ये बात कितनी आपको उसके बाद भी कन्विंस रहते हैं आप इस बात पर लेकिन उसमें ये भी याद रखिएगा कि वहां परिमेंशन बहुत हाई हैं जब नंबर ऑफ है लो होती हैं तो ये बात रीजनेबल है जो कि यहाँ पर नजर भी आ रही है लेकिन इट कैन स्टिल मिस पॉइंट्स जैसा कि के इस, इस केस में भी इसने मिस कर दिया अच्छा जी दिस इज द सेकेंड टेक्निक द लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग या जिसको एल एस एच भी लिखा जाता है जब आप इसको अगर कभी सर्च करेंगे ढूंढने ढूंढेंगे और इस पर पढ़ना चाहेंगे तो एल के नाम से आपको ये मिलेगी अच्छा यहाँ पर आइडिया बड़ा सिंपल है आप अपने पूरे स्पेस को पकड़ें और बजाय वन बाय वन डिमेंशन में जाके काटने के आप रैंडम हाइपर प्लेन्स ड्रॉ करना शुरू कर दें इस इस पूरी चीज के ऊपर सो द वे यू डू दैट द वे यू 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 ड्रॉ दीज दीज रैंडम हाइपर प्लेन्स

ठीक है तो जब हम के प्लेन्स बनाएंगे तो वो हमारे पूरे के पूरे इस रीजन को टू रेस्ट पावर के रीजन के अंदर डिवाइड कर देगा ये सब के सब जो हाइपर प्लेन्स हैं हैं ये है, ये पॉलीटोप्स मीनिंग कि सारी साइडों से अल्टीमेटली बाउंड हो जाएंगे किसी ना किसी हाइपर प्लेन से और हर हाइपर प्लेन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है यानी कि रेड वाले को अगर आप देखें तो जो पॉइंट एक तरफ हो सकता है वो दूसरी तरफ नहीं हो सकता इसकी एक ही तरफ हो सकता है हर पॉइंट ठीक है सो so, अब आपके पास आ, जब भी कभी नया एक टेस्ट डेटा पॉइंट एक्स आएगा तो आपने करना सिर्फ ये है कि उसको एक एक करके सारे के सारे के हाइपर प्लेन्स के साथ कंपेयर करना है और ये कंपैरिजन कैसे होता है हम आगे जाकर कुछ क्लासिफिकेशन एलगोदम्स देखेंगे जहां पे आप लाइन के साथ प्लेन के साथ कंपेयर करना सीखेंगे कि कोई पॉइंट उसकी पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर यानी एक तरफ है या दूसरी तरफ है और उससे कंपेयर करने के बाद विल एंड अप इन अ रीजन जिस रीजन के अंदर वो चीज़ हमें मिल रही होगी यानी जिस जिस रीजन में अल्टीमेटली वो वाला पॉइंट एक्स फॉल करेगा और अब उस रीजन के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे उन सब से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उन सब से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करके उनको नियरेस्ट नेबर समझेंगे यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो अगर ये इस ब्लू रीजन के अंदर आया है तो इसने इस पॉइंट को मिस कर दिया सो अगेन दिस कैन मिस नेबर्स ठीक है इसकी जो कंप्लेक्सिटी है अगेन वो डी लॉग एन के बराबर आती है अगर केस चोजन टू बी लॉग एन

की वैल्यू असाइन कर रहे हैं किलेट से ये रेड प्लेन में कहूँ तो इसकी जीरो वैल्यू असाइन हो रही होगी रेड प्लेन की उन सारे पॉइंट्स को जो लट से इससे ऊपर हैं और वन असाइन हो रही होगी जो इस सब इससे नीचे हैं ये हम स्कोल्टा भी कर सकते थे जीरो वन मैंने आर्बिट्रेली असाइन किए ठीक है तो इस तरह से हम एक हैश टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं लेकिन खैर जब के डी ट्री मौजूद थे तो फिर इनकी ज़रूरत क्या थी और ये वो चीज़ है जो आपको समझ पूरी तरह आएगी जब हम कर्स ऑफ डिमेंशनलिटी पढ़ चुके होंगे कि हाई डिमेंशनस के अंदर ये कहना कि d माइनस वन डिमेंशन के अंदर हमने उन, उन, यानी फाइनली पहुंच गए आखिरी डिमेंशन के अंदर जैसे हम के डी ट्रीज में कर रहे थे और d माइनस वन डिमेंशन को हम पार्स कर चुके हैं हम कह चुके हैं कि उनको हमने आधा 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 डिवाइड कर दिया था लेकिन उस आखिरी डिमेंशन में पहुंचने के बाद आप ये फिर भी एज्यूम नहीं कर सकते कि आपके यहाँ पर जो नेबर्स हैं वो नियर हैं ये एक चीज एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि हम अगले लेक्चर में अगली लेक्चर वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये कहाँ से आता है फिलहाल आसान सी बात इस वक्त हम बहुत ज्यादा चीजों की गहराई में नहीं जा रहे दो मेथड हम अब तक देख चुके हैं एक वो है जो वन बाय वन करके सारी की सारी डिमेंशन पे स्प्लिट करता है और इस तरह से नियरेस्ट नेबर्स पे पहुंचने की कोशिश करता inexact है इन है नियरेस्ट नेबर मिस कर सकता है दूसरा तरीका ये है कि आप डिमेंशन बाय डिमेंशन नाइसली नहीं जाना बल्कि आपने रेंडम हाइपर प्लेन्स उठाकर फेंकते जाने हैं काटते जाएंगे वो आपके पूरे स्पेस को और उसके बाद आपने जाकर हर आने वाले पॉइंट को हर प्लेन से कंपेयर करना है यहाँ तक कि वो उस रीजन में पहुँच जाए जहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि शायद उसके नियरेस्ट नेबर्स हों ये हाई डायमेंशनल स्पेस में भी काम करता है और ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों किस्म के लेबल्स के साथ काम करता है एज अपोज टू के डी ट्रीज जो कि लो डायमेंशनल स्पेस और कंटिन्यूस लेबल्स के साथ काम करते हैं ठीक है फाइनली वी टॉक अबाउट द इन्वर्टेड लिस्ट जो कि एक एग्जैक्ट मैथड है दिस डज नॉट मिस नेबर्स ठीक है और इसकी जो जो कंप्लेक्सिटी है वो भी बहुत अच्छी है इट इट्स डी रूट ऑफ एन ठीक है सो so, uh, यानी अब इसकी भी एक पूरी तफसील है कि ये ये किस केस में है ये उस केस में है कि अगर आपकी जो हम लिस्ट अभी बनाएंगे उसकी एवरेज लेंथ ऑफ द लिस्ट अगर अंडर रूट ऑफ एन हो स्क्वेयर रूट ऑफ एन हो तो आ, औ, और ये है कि डी जो आपके नॉन जीरो एट्रीब्यूट हों उस केस में ये बड़ी चीज़ फुलफिल होती है लेकिन इस पर कंप्लेक्सिटी को भूल जाए हम इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है अब सिर्फ ये देखें कि इसमें करते क्या हैं सो दिस इज यूजफुल बाय द वे वैन यू हैशनल डेटा एग्जाम्पल हमारा टेक्स्ट का जो डेटा होता है जिसके हम बैग ऑफ वर्ड बनाते हैं अच्छा फर्ज करें मेरे पास ये छह डॉक्यूमेंट्स हैं और ये ई मेल्स हैं जिसपे स्पैम हैम के मेरे पास लेबल्स लगे हुए हैं मैंने इन सब के लिए एक लिस्ट क्रिएट की जिसको मैं इन्वर्टेड लिस्ट कह रहा हूं जिसमें सारे वर्ड हैं सेंड योर रिव्यू अकाउंट पासवर्ड और इसमें डॉक्यूमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट में ये वर्ड आया था सो so सेंड किस किस में आया था वन टू थ्री फोर फाइव सब में आया है योर किस किस में डॉक्यूमेंट वन फाइव और सिक्स में है खाली सो डॉक्यूमेंट वन फाइव और सिक्स में योर आया वर्ड ठीक है एंड सो ऑन यू कैन ट्रेस द रेस्ट इसको इस लिस्ट को हम इन्वर्टेड लिस्ट कहते हैं अब फायदा क्या है इसका हमारे पास एक नई टेस्ट ई आई अकाउंट रिव्यू दो वर्ड थे इसमें मैं अकाउंट पर गया और मैं रिव्यू पर गया मुझे वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स मिल गए टू सिक्स और ये भी सिक्स था जो तो लिहाजा टू और सिक्स वो वाहिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं मेरी टेस्ट ईमेल के साथ इनके अलावा मेरा कोई क्लोज नेबर हो नहीं सकता क्योंकि उसके साथ तो कोई वर्ड ऐसा है ही नहीं जो कॉमन हुआ जो वर्ड उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ तो जब वर्ड शेयर ही नहीं कर रहा है डिस्टेंस ही नहीं निकल सकता डिस्टेंस जो है वो उनके साथ यानी जो वर्ड मेरे पास है उनके पास नहीं है जो वर्ड्स उनके पास है वो मेरे पास नहीं है लिहाजा उनसे डिस्टेंस निकालने का कोई फायदा नहीं है द डिस्टेंस वुड बी वेरी हाई एज अपोज टू दीज यहां पर वर्ड्स कॉमन हैं सो दीज आर क्लोजर टू मी वो ई मेल्स जिनमें वो अल्फाज आए हैं जो मेरी ई मेल में आए हैं मेरी ई मेल से मिलते जुलते ठीक है ये दैट्स दैट्स द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट तो अब ये यूज करते हुए हम एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज योर डेटा इस पार्स एज़ लॉन्ग एज दिस इज ट्रू अगर डेटा स्पार्स है तो उस केस में ये लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग आपको एग्जैक्ट आंसर्स देगी और आपको सारे के सारे नेबर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है सो होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई मैं एग्री करता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए चीज़ों की बहुत चीज़ों को हमने ग्लास ओवर कर दिया कम्प्लेक्सिटीज़ को ग्लास ओवर कर दिया हमने इनकी फर्दर इन्हांसमेंट्स को किसी डिटेल में नहीं गए मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ में आ जाए कि हमारे के एन एल्गोरिदम को फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है बहुत से एलगोरिदम्स हैं इसके अलावा भी एलगोरिदम्स आपको मिलेंगे जो इसको इम्प्रूव करने के लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अब वी आर स्टक विद इट्स कम्प्लेक्सिटी वी कैन स्टिल इम्प्रूव इट और पार्जन विंडोज का जो हमने मेथड देखा उससे हमने कुछ नई चीज़ें सीखी तो आल स्टॉप हियर एंड इनशाला सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो